हेलो गाइस, वेलकम टू टेक गेन बाय जेजे। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि HTML सीरीज़ उसको हम कहेंगे। आप अगर इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं और मेरे सभी वीडियो देखते हैं और मेरे दिए हुए टास्क आप करते हैं तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप एक बेस्ट वेब पेज क्रिएट कर पाएंगे। अब HTML स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है, यू कैन सी माई नेम इज़ हियर जेजे, आप मुझे जेजे बुला सकते हैं, और मेरे चैनल का नाम है टेक ज्ञान बाय जेजे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्या, तो के HTML। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है, किसने इन्वेंट किया था, उसके बाद में HTML को यूज़ कैसे करते हैं, वो सब हम इसमें आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये सभी फुल फॉर्म आपको पूछे जाते हैं। इसीलिए जो तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हो गया, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, वो इन्वेंट किसने किया था, वो उसको किसने लॉन्च किया था? तो वो HTML वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। HTML किसने इन्वेंट किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था। इसके अंदर क्या होगा, HTML के अंदर क्या होगा? तो इट कंटेन्स स्टैंडर्ड टैग्स दैट डिटरमाइन हाउ वेब पेज डिस्प्ले। अब आप बोलेंगे वेब पेज क्या होता है, अभी आपको मैंने अपना होम पेज दिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला टेक ज्ञान भाई जेजे का आप, मैंने आपको दिखाया था, ये है एक होम पेज है। यूट्यूब कोई भी आप ओपन कर लीजिए, कोई भी वेबसाइट, उसका जो फ्रंट पेज होगा उसको हम होम पेज बोलेंगे और वेब पेज बोलेंगे। आपको मैं एक डेफिनेशन देता हूँ, आप बहुत वेबसाइट वेबसाइट करते हैं ना, तो वेबसाइट की डेफिनेशन क्या होगी? तो वेबसाइट की डेफिनेशन होगी अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेब पेज। प्लीज़ रिमेम्बर रखिएगा, क्योंकि वेबसाइट वेबसाइट तो हम करते हैं पर उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है वो हमें नहीं मालूम। तो वेबसाइट क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, वो एक पेज नहीं होते, दो पेज नहीं होते, वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, वो सभी साथ में जुड़ते हैं तभी एक वेबसाइट बनती है। तो सभी वेबसाइट ऐसे ही क्रिएट होती है, तो उसमें से हम वेब पेज निकाल दें तो वो एक HTML पेज होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट होंगे, लिंक्स होगी और इमेजेस होगी। तो वो सभी किस में आएंगे, तो कि हमारे HTML के अंदर ही वो सब आएंगे। तो डिस्प्ले कहाँ पे होंगे, हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर। तो HTML का सिंटेक्स क्या होगा? HTML का सिंटेक्स है कि वो दो साइडेड टैग होंगे। टू साइडेड टैग मीन्स के एक ओपनिंग टैग होगा और दूसरा होगा क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जांपल, ये है स्टार्टिंग टैग, जो ब्रैकेट स्टार्ट करके ये हमने स्टार्टिंग टैग लिखा है। उसके बाद है उसका एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो टैग आपने यूज़ किया है उसमें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर डालना है तो वो उसे एट्रीब्यूट हम कहेंगे। और ये टैग और एट्रीब्यूट अप्लाई आपको किस पे करना है तो उसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट कंटेंट। अगर आपने H1 टैग लिया है और आपने अलाइनमेंट सेंटर दिया है तो वो आपको अप्लाई किस पे करना है वो आपको कहना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कंटेंट के ऊपर। और लास्ट में सभी ख़त्म हो जाए तो क्या करना है, जो टैग आपने स्टार्ट किया है उसको लास्ट में क्लोज करना ही है। कुछ ऐसे टैग है जो जिसको हम क्लोज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और जितने भी टैग क्लोजिंग टैग होते हैं वो आपको करना ही है। अदरवाइज क्या होगा, जो टैग स्टार्ट किया है, जो एट्रीब्यूट आपने डाला है उसकी इफेक्ट एंड तक रहेंगी जब तक आप क्लोज नहीं करते तब तक। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ HTML। एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं अब।
फॉर एग्जांपल है ये पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग है, उसमें लिखा है वेलकम टू एचजेडी, स्टार्ट टैग किया, बीच में वेलकम टू एचजेडी डाला और टैग को ओवर कर दिया, ऐसे ऐसे पी टैग ओवर हो गया। और दूसरा एग्जांपल है बॉडी का, बॉडी के अंदर बिजी कलर डाला है, कलर इज इक्वल टू रेड येलो, जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए, वो किस पे अप्लाई करना है वो डॉक्यूमेंट कंटेंट इधर आ गया, और लास्ट में बॉडी। तो सिंटेक्स कैसे होगा आपका, कोई भी एक सिलेक्टर होगा, कोई भी आपका HTML टैग होगा जिसको आप इफेक्ट देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पी टैग ले लिया है, वो हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया, वो क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया, बीच में ये क्या आ गया तो कि डॉक्यूमेंट कंटेंट, और यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया उस टैग को हमने कर दिया ओवर, तो यहाँ पे ये ओवर हो जाएगा और हमारा कंटेंट वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें आते हैं बेसिक टैग्स। बेसिक टैग क्या होते हैं तो कि जो टैग आप HTML फाइल क्रिएट करो और हर बार आपको लिखना ही है उसको हम बेसिक टैग बोलते हैं, क्योंकि हर बार आपको ये बेसिक टैग तो लिखने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल HTML और बॉडी, HTML और बॉडी है वो आपको हर बार अपने HTML फाइल में लिखना ही पड़ेगा हर बार। ये दोनों ऑप्शनल है, ये हेड और टाइटल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर HTML और बॉडी ये तो आपको हर एक प्रोग्राम में आपको नजर आएंगे। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि HTML का क्या यूज़ होता है। तो HTML का क्या, इस टैग का क्या यूज़ होता है तो कहे दिस टैग टेल योर ब्राउजर दैट दिस इज एन HTML कोड, वो ब्राउजर को बताएगा कि ये है HTML कोड है। HTML टैग कैसे स्टार्ट करेंगे, HTML टैग ऐसे HTML से स्टार्ट होगा और ओवर स्लैश HTML से होगा, ये आपको क्लोजिंग टैग भूलना नहीं है। ओके नेक्स्ट उसमें आएगा हेड टैग। तो हेड टैग में क्या आएगा, तो हेड टैग क्या करेगा तक वो है वो टाइटल को आइडेंटिफाई करेगा, वो क्या करेगा वो जो टाइटल दिया है आपने HTML पेज के अंदर उसको आइडेंटिफाई करेगा और डिस्प्ले कराएगा आपके टैब के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा टाइटल किधर आ रहा है, और टाइटल क्या है तो कि टाइटल इज रिक्वायर्ड इन HTML डॉक्यूमेंट, इट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाएगा। वो किधर पे आएगा वो हेड में आपको डालना है, और लास्ट में आएगा बॉडी। तो बॉडी क्या करेगी तो बॉडी के अंदर सभी HTML डॉक्यूमेंट, सभी HTML डॉक्यूमेंट मीन्स सभी HTML डॉक्यूमेंट यानी कि सच एज टेक्स्ट, हाइपरलिंक, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट, जो भी आप बनाए वो सभी किस में आएंगे बॉडी टैग में आएंगे। तो बॉडी का यूज सबसे ज़्यादा होगा। ओके सो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ HTML में हम क्या कहें, HTML का क्या यूज़ होगा, वो ब्राउज़र को कहेगा कि भाई ये कोड HTML का है, हेड टैग का यूज़ क्या है, तो हेड टैग कहेगा कि इस हेड टैग का यूज़ क्या है तो कि इसमें हम टाइटल ये टाइटल आइडेंटिफाई करेगा, और टाइटल का क्या यूज़ है तो वो डॉक्यूमेंट का टाइटल देगा। बॉडी का यूज़ क्या है तो बॉडी का यूज़ उसमें हम सारे HTML टैग्स को अप्लाई करेंगे। ओके नेक्स्ट हम करेंगे लिस्ट टैग।